यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे आगे का जो टॉपिक था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ में होती है। वो रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों अगर साथ में जुड़ जाए तो बन जाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसकी डिफाइन भी सेम इसी तरीके से होगी। ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ टेक प्लेस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसपे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन काम आ रही है उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर कॉपर सल्फेट से क्या हो गया है, SO4 माइनस अलग हो गया है तो वहाँ हो गया है उसका रिडक्शन, और जिंक में जाकर के जुड़ गया है SO4 माइनस यानी नेगेटिव आयन, तो फिर वो बन गया है अपने पास ऑक्सीडेशन, वो हो गया है वहाँ पे ऑक्सीडेशन। अब आ रहे हैं आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारे लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी आ चुकी है, इसलिए मैंने इसकी डिफाइन यहाँ नोट नहीं करवाई है। डिफाइन आप लोग वापस से एक बार नोट कर सकते हैं। ए रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, एसिड और बेस दोनों साथ में जुड़ रहे हैं और बना रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी हमारे पास? सॉल्ट एंड वाटर बनाने वाली रिएक्शन कौन सी होगी हमारे पास? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें एसिडिक नेचर बेसिक नेचर दोनों साथ में जुड़ते हैं, इस तरीके से पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो नाम भी इसका क्या रखा गया रिएक्शन का? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास, ये रिएक्शन तो यहाँ पे खत्म हो गई, लास्ट में बच रहा है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बताया था कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्या होता है उस खुद में कुछ चेंज नहीं होने देते हैं, बट चेंज खुद में नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, जो रिएक्शन है उसको या तो स्पीड बढ़ा रहे हैं उसकी, या फिर कम कर रहे हैं, या तो उसको फास्ट करवा रहे हैं या धीरे करवा रहे हैं। तो देख लेते हैं। सब्सटेंस विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन बट इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड आर कॉल्ड कैटलिस्ट। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट ऑफ स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ाते या घटाते हैं, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। लेकिन खुद कैसे रहने चाहिए? अनचेंज, मतलब खुद इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल इसका है KCl3 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड जो है उसमें मैग्नीज डाई ऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, और हमारे पास बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो रही है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी वजह से जो रिएक्शन है क्या है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट आगे अपने पास आ रही है वेजिटेबल ऑयल, उसमें हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करा रहे हैं निकल के प्रेजेंस में। निकल यहाँ पे क्या है अपने लिए कैटलिस्ट, और क्या बन रहा है, वेजिटेबल घी। नेक्स्ट तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों रिएक्शन में मैग्नीज डाई ऑक्साइड और निकल हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। फिर आ रहा है कैटलिस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग बेसिस पे हैं। कैटलिस्ट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पर कैटलिस्ट को कितने भागों में बांटा गया है, टू टाइप्स है। तो इनके फर्स्ट टाइप है होमोजेनियस, सेकंड है हेटरोजेनियस। जिस तरीके से होमोजेनियस और हेटरोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं, उसी तरीके से होमोजेनियस और हेटरोजेनियस कैटलिस्ट भी होते हैं। होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं? होमोजेनियस कैटलिस्ट यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों अगर एक ही स्टेट में अवेलेबल है, तो फिर वो रिएक्शन जो होगी या फिर वो जो कैटलिस्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, होमोजेनियस कैटलिस्ट। व्हेन इन रिएक्शन कैटलिस्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज, देन कैटलिस्ट इज नोन एज होमोजेनियस रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन में ये तीनों चीजें रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में है, सेम स्टेट पे हैं, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा, होमोजेनियस कैटलिस्ट। इसका एग्जांपल है अपने पास SO2 गैस की रिएक्शन की जा रही है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो SO3 गैस ही बन रही है, यानी कि SO2 प्लस O2 बन के आ रहा है SO3 गैस। अब नेक्स्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे तीनों गैस स्टेट में, नेक्स्ट आ रहा है हेटरोजीनियस अपने पास कैटलिस्ट। हेटरोजीनियस कैटलिस्ट में क्या है, इसकी जस्ट अपोजिट होगी, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में यानी स्टेट में या फिर फेज में है, तो फिर वो रिएक्शन जो होगी क्या हो जाएगी, होम हेटरोजीनियस कैटलिस्ट।
वाली रिएक्शन। अब इसमें एग्जांपल देख रहे हैं, नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन करी जा रही है हमारे पास हाइड्रोजन गैस के साथ में, तो आयरन वहाँ पे क्या है, कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास वो क्या है, अमोनिया। तो आयरन की यहाँ पे स्टेट अलग है, मतलब ये क्या उनको ये जो कैटेलिस्ट हो गया वो हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट हमारे लिए हो गया है। अब नेक्स्ट आ रही है हमारे पास टाइप ऑफ कैटेलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, ये किस बेसिस पे काम करते हैं उसके आधार पे अपन इनकी डिफाइन देख रहे हैं और इनके प्रकार देख रहे हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव नाम से मतलब बढ़ेगा, तो फिर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, मतलब वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होंगे, ऐसे कैटलिस्ट जो क्या कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, तेज कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है 2KCl3 पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कराई जा रही है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिल रहे हैं। जब अपन मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं तो ये रिएक्शन फास्ट कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आ रहा है नेगेटिव कैटलिस्ट, जस्ट इसका अपोजिट, क्या करेगा ये डिक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी कि इसकी जो रिएक्शन करने की रिएक्शन जो होने का टाइम है वो पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो H2O2 ये होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिसकी रिएक्शन ग्लिसरिन के प्रेजेंस में हो रही है, तो बन रहा है अपने पास वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो रही है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो खुद ही कैटलिस्ट के रूप में काम आ जाते हैं, जैसे अपन देखने जा रहे हैं CH3COCH2H5, यानी कि अपने पास ये है और फिर इसकी रिएक्शन कराई जा रही है वाटर के साथ, CH3COCH2H5 की रिएक्शन कराई जा रही है, यहाँ पे इसको बोला जाता है मेथिल एसीटेट। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराई जा रही है वाटर के साथ में, तो अपने पास बन रहा है एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल, एसिटिक एसिड और एथेनॉल बन रहा है। तो यहाँ पे जो एथेनॉल है ये रिएक्शन के में कैटलिस्ट का काम कर रहा है। जब ये रिएक्शन होना स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में तो चलती है स्लो, बट जैसे ही अपने पास बन जाता है एसिटिक एसिड, ये रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है और फटाफट बन जाता है C2H5OH, यानी कि एथेनॉल। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट नाम से हमें पता चल रहा है बायो यानी कि अपने बॉडी से रिलेटेड होगा, तो इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल, अपने शरीर के अंदर जो भी रिएक्शन होती है उनकी रिएक्शन को फास्ट करने का काम जो कर रहा है वो होता है बायोकैटलिस्ट। माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए माल्टोज खुद ही काम आता है, ये भी एक कैटलिस्ट के रूप में खुद ही काम कर रहा है। अब आगे अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, ये तो आपने यहाँ तक कि कैटलिस्ट क्या थे, इनके रिएक्शन के टाइप्स क्या थे अलग अलग, अब आ रहा है अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कैटलिस्ट चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं, फास्ट या धीरे कर देते हैं। फिर नेक्स्ट, कैटलिस्ट आर द सफिशियंट इन स्मॉल अमाउंट ओनली, इसकी कुछ थोड़ी सी छोटी सी मात्रा ही क्या होती है, इनफ होती है किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए। देयर इज ए स्पेसिफिक कैटलिस्ट फॉर ए स्पेशल रिएक्शन, हर टाइप के रिएक्शन स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल प्रकार के कैटलिस्ट की जरूरत होती है, ऐसा नहीं होता है कि एक ही कैटलिस्ट हर प्रकार की रिएक्शन में काम आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन, कोई भी कैटलिस्ट जो होता है वो किसी रिएक्शन को चाहे तो खुद स्टार्ट नहीं कर सकता है, रिएक्शन हो रही होगी तो वो उसको या तो उसकी रेट को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, इसके अलावा कैटलिस्ट कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ रहा है, कैटलिस्ट आर मोर एफिशिएंट एंड एक्टिव एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कैटलिस्ट जो होते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही एक्टिव होते हैं या ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट एक्टिव रहे और रिएक्शन को आगे कंटिन्यू बढ़ाते ही रहें, इनका एक फिक्स टेम्परेचर होता है वो मिलने पे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ तक ओवर, ये चैप्टर कम्प्लीट है अपना, इस चैप्टर को आप लोग एक बार पूरा स्टार्टिंग से डिस्कस मतलब अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही हो आप मुझे पूछ लें, इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके पहले क्वेश्चन आंसर कुछ देख लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व कर देंगे, आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।